गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। वीडियो में मैं आप सभी लोग को एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करके अंडरग्राउंड ब्लॉगर एक नई वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर डिस्कवर में लेके आ रहे हैं। वहां से वेबसाइट पर लाखों में ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हैं। मतलब लिटरली आपको यहाँ पर ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं प्रूफ आप सभी लोग को दिखाऊंगा। एंड गाइस एक चीज और बता दूं कि चाहे जितने ब्लॉगर्स के पॉडकास्ट आप देख लो, चाहे जितने YouTube वीडियोस देख लो, कोई भी आपको ये सीक्रेट नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो लोग आपको सीक्रेट बता देंगे तो फिर जो ब्लॉगिंग का कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। एंड वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े और उनकी अर्निंग कम हो। आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, ब्लॉगिंग में काम मत करो, लेकिन तुम्हारा भाई की सोच ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी लोग को जो सीक्रेट बताने वाला हूं, जस्ट तुम देखना एंड फिर आप बताना कि यार ये क्या चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अभी मत करो, अगर वो सीक्रेट तुमको अच्छा लगे उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर 2 हफ्ते पहले ये सीक्रेट मैंने रिवील कर लिया था, यूट्यूब पर तो आज बता रहा हूँ। तो चलो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। अब गाइस मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड इस वीडियो में आपके साथ एकदम फ्रेंडली बात करने वाला हूँ। मैं ज्यादा कोई वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, इधर से कोई इमेज उठ के आ रही है, इधर से कुछ आ रहा है, मैं आपको फ्रेंडली बताता हूँ। अब देखो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, 2024 में ब्लॉगिंग पर काम करने का कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो है एक मोबाइल की स्क्रीन चल रही होगी। इस स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने अपना जो है गूगल डिस्कवर ओपन करा हुआ है। इस गूगल डिस्कवर में आप सभी लोग देख पाओगे कि एक साइट मुझे दिख रही है HJAR, इस साइट को मैंने ओपन कर लिया। अब ये स्क्रीन मैंने इसलिए लगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो साइट है ये डिस्कवर में आ रही है। अब इस साइट को मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पर ओपन करता हूँ। सो डेस्कटॉप पर मैंने सेम साइट को ओपन करा हुआ है HJAR.in। अब आपने ये तो देख लिया साइट डिस्कवर में आ चुकी है। अब इस साइट का मैं सबसे पहले हु इसका डेटा आपको बताता हूँ कि डोमेन एग्जैक्टली रजिस्टर कब हुआ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो HJAR.in जो डोमेन है, ये डोमेन कब रजिस्टर हुआ है, हो इसका डेटा है 2024 में 10वें महीने में 6 तारीख को, यानी कि इसी महीने की 6 तारीख को ये डोमेन रजिस्टर हुआ है। आज क्या डेट है एक बार मैं आप सभी लोग को वो कंफर्म कर देता हूँ, डेट लिखते ही एंटर करता हूँ। सो आप देख पाओगे आज है 16 अक्टूबर, यानी कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ये जो साइट है ये साइट डिस्कवर में आ चुकी है। अब क्योंकि डिस्कवर में मुझे इसका इंप्रेशन मिला है, मतलब और लोगों को भी इसका इंप्रेशन मिल रहा होगा एंड साइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा होगा। मतलब सिर्फ 10 दिन पुराना ये डोमेन है और ये डिस्कवर में आ चुका है, अच्छा खासा ट्रैफिक ला रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ ये डोमेन कौन सा है। अगर आप HJAR गूगल पर सर्च करोगे, इसकी फुल फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हिमाचल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक जो है गवर्नमेंट का ही एक सेक्शन है, उसी का ये डोमेन है। अभी फिलहाल इनका HJAR.org चल रहा है, बाकी पहले जो है HJAR.in हुआ करता था वो एक्सपायर हो गया, इसको इन लोगों ने रजिस्टर कर लिया एंड रजिस्टर करने के बाद इस पर काम किया एंड ये जो है डिस्कवर में आ गया। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है एक गलती से आ गया हो। सेकंड एग्जांपल आप सभी लोग देखो, यहाँ पर आपके सामने मैंने एक साइट और गूगल डिस्कवर को अगेन ओपन कर लिया एंड यहाँ पर आपको एक साइट देखने को मिल रही होगी NCCC करके, तो इस साइट को मैंने ओपन कर लिया। ये तो आपने क्लियर हो गया कि डिस्कवर में इसका इंप्रेशन आ गया। सेम साइट को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ NCCC.in। सेम साइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसका भी मैं आपको डेटा बताता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ हु इस पर, इस डोमेन को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो 9वें महीने की 12 तारीख को ये जो है रजिस्टर हुआ, यानी कि सितंबर में ही पिछले महीने रजिस्टर हुआ है। एंड अभी आप देख सकते हो ये डोमेन जो है डिस्कवर में आ रहा है, कब से ही आ रहा है आज मैंने आप सभी लोग को बताया है। इसी सेम डोमेन की अगर मैं आप सभी लोग को बैकलिंक चेक करके बताऊं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसको मैंने सर्च किया, सर्च के सेक्शन पर गया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 4 रेफरिंग डोमेन से बैकलिंक है एंड जो टॉप डोमेन है वो आप देख सकते हो MDPI.com करके है एंड एक यहाँ पर NCTSE.in करके, ये तो गवर्नमेंट साइट है, SE.in वाली आप देख सकते हो ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है। एंड दूसरी यहाँ पर जो टॉप पर साइट है उसको अगर मैं ओपन करके आपको बताऊं, तो इस साइट का जो ट्रैफिक है आप देख पाओगे 15 से 20 मिलियन का इसका जो है ट्रैफिक है। मतलब कितनी बड़ी बड़ी साइट से बैकलिंक है। अब बड़ी साइट से बैकलिंक क्यों है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन है। तो समझ रहे हो आप सभी लोग अंडरग्राउंड ब्लॉगर क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को रजिस्टर कर रहे हैं, उस पर आर्टिकल डाल रहे हैं और उसको डिस्कवर में लेके आ रहे हैं। लेकिन ये चीजें वर्क कैसे कर रही है वो भी बताऊंगा। एक एग्जाम्पल और देख लो जिन लोगों को लग रहा होगा फेक है, और आप ये खुद से भी ट्राई आउट कर सकते हो।
मैं एक और साइड का एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगेन मैंने डिस्कवर ओपन किया, साइड में आप देख सकते हो एक साइड यहाँ पर JNV रायगढ़ करके मुझे दिख रही है। सेम साइड को मैंने ओपन कर लिया, इस साइड को भी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओपन करते हैं हमारा डेस्कटॉप पर। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ JNV रायगढ़ .in, सेम साइड है यहाँ पर इस तरीके की बनी हुई है। हो सकता है ये एक ही बंदा हो जो अलग अलग साइट्स को रन कर रहा है, क्योंकि साइट का पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। शायद जो मैंने वीडियो बताया उसमें ये वाला आर्टिकल ही गूगल डिस्कवर में दिख रहा था। इस साइट का भी अगर मैं आपको हुईस का डेटा चेक करूंगा, तो मैं हुईस का डेटा चेक करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी पिछले महीने ही रजिस्टर हुआ है 11 तारीख को, एंड ये जो है डिस्कवर में आ रहा है। साइट के अगर मैं आपको पेजेस बताऊंगा तो सिर्फ 3 से 4 पेजेस है। कब से काम चालू हुआ है? 21 सितंबर से 19 सितंबर से साइट पर काम चालू हुआ है। एंड जितने भी एक्सपायर डोमेन वाले साइट है, इनके डिस्क्लेमर अगर आप चेक करोगे तो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि ये एक गवर्नमेंट का एक्सपायर डोमेन तो है, लेकिन इस पर जो है मतलब गवर्नमेंट से लिंक नहीं है ये, इस पर जो है एजुकेशनल कंटेंट ये वगैरह जॉब्स रिलेटेड डालते हैं, मतलब इन्होंने मेंशन करा हुआ है। इसकी भी बैकलिंक अगर आप खुद चेक करना चाहो तो आप देख पाओगे कि गवर्नमेंट की साइट से जो है इन वेबसाइट पर बैकलिंक है। तो एग्जाम्पल्स तो मैंने आप सभी लोग को बता दिए, प्रूफ मैंने आप सभी लोग को बता दिए, अब बढ़ते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहे हैं, वो मेथड क्या यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन ये तो पता चल गया, तो इनका मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो गेम ऑफ एक्सपायरी डोमेन करके मैंने एक बनाया हुआ है आपके सामने माइंड मैप। ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपायरी डोमेन को फाइंड करेंगे, यानी जितने भी गवर्नमेंट साइट्स होती है वहां पर जो वेबसाइट्स लिंक होती है, जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं, उनको ये चेक करते हैं। इनको कोई भी ऐसा पेज मिलता है जो वर्क नहीं कर रहा है, उस डोमेन को ये चेक करते हैं, एंड अवेलेबल होता है तो उनको फट से ये रजिस्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि डिस्कवर में चलने वाले अट्रैक्टिव आर्टिकल्स को ये यहाँ पर पब्लिश करते हैं। जैसे योजना के आर्टिकल गांव में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लिक के आर्टिकल पब्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ तक काम खत्म नहीं होता है। अब अगर डिस्कवर में आपको जल्दी आना है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक भी आपको भेजना पड़ेगा। मतलब अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये लोग एक्सपायरी डोमेन को रजिस्टर करते हैं, उस पर क्लिक के आर्टिकल डालते हैं, एंड उसके बाद ये उस पर पुश नोटिफिकेशन टेलीग्राम से व्हाट्सएप से ट्रैफिक भेजते हैं। अब जब उस साइट पर ट्रैफिक आता है, आर्टिकल पर ट्रैफिक आता है, अब क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन है या फिर उस डोमेन पर गवर्नमेंट की वेबसाइट से बैक लिंक है, तो गूगल को लगता है कि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बेस्ट वेबसाइट है, तो इसे सजेस्ट करना चाहिए, तो गूगल उसे जल्दी पुश कर लेता है डिस्कवर में एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल डोमेन। एंड यही वो रीजन है कि सिर्फ 3 से 5 दिन में अगर आप गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन पर वर्क करते हो तो आप डिस्कवर में आ सकते हो, एंड ये लोग आ रहे हैं। ये जितने भी साइट्स हैं इनको अगर आप चेक करोगे एक बार जाके, तो सारी साइट्स पर आपको जो है पुश नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपायरी डोमेन को फाइंड करना है, उसके बाद आर्टिकल डालना है, उस पर एक्सटर्नल ट्रैफिक भेजना है। तो अगर आप एक नए ब्लॉगर हो तो आपके पास चैलेंजिंग चीज ये होगी कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक कैसे भेजोगे, तो उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कैसे आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक भेजना है बताया हुआ है। अगर हो सकता है कई लोगों को लग रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में तो 2 दिन 5 दिन में इन साइट पर ट्रैफिक आ जाएगा, चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या? तो एक साइड में आप सभी लोग को बताता हूँ, उससे सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना BSHB करके, BSHB.in, एंड इसकी फुल फॉर्म आप देख पाओगे तो बिहार स्टेट होल्डिंग बोर्ड करके, तो ये उसी का एक एक्सपायरी डोमेन है जो किसी ब्लॉगर ने रजिस्टर करा हुआ है। इस साइट को अगर आप ओपन करके इसका ट्रैफिक एक बार चेक करोगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा। इस साइट पर लगभग 6 से 8 महीने से कंटिन्यूसली ये जो है मिलियन में ट्रैफिक ला चुकी है। अभी फिलहाल इसका ट्रैफिक थोड़ा डाउन हो चुका है, लेकिन पहले ये मिलियंस में ट्रैफिक लेके आ रही थी। एंड ये भी एक एक्सपायरी डोमेन ही है, एंड इस बंदे ने भी सेम काम करा हुआ है, टेलीग्राम वगैरह से पुश नोटिफिकेशन ट्रैफिक भेजता है एक्सपायरी डोमेन पर, एंड वहां से जो है जल्दी से डिस्कवर में आता है, एंड एडसेंस का अप्रूवल लेके ट्रैफिक से पैसा कमाता है। तो गाइस ये पूरा का पूरा सीक्रेट मैंने आपके साथ रिवील कर लिया है, जो कि आपको यूट्यूब वगैरह पर पॉडकास्ट पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीजें बताने वाली होती नहीं है, कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई बताता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार हर एक बंदा जो ब्लॉगिंग में आ रहा है वो सक्सेस हो, कुछ ना कुछ पैसा कमाए, एंड जो है जाए, क्योंकि कोई होप से आ रहा है तो उसकी होप पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब इस वीडियो में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक ये बनता है कि एक्सपायरी डोमेन को फाइंड कैसे करें, क्योंकि मेन सारा काम तो इसी का ही है। तो बड़ा सिंपल है यार, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी एक्सपायर डोमेन वाली वेबसाइट्स आपको मिलती है इन वेबसाइट की बैकलिंक को चेक करो, एंड बैकलिंक में जहां से इनको मिला है ये डोमेन उस गवर्नमेंट के पेज पर जाओ, एंड उस पेज पर और देखो कि ऐसे कोई डोमेन और अवेलेबल है या नहीं, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। एंड अगर आपको गवर्नमेंट के पेज पर ऐसा कोई भी मतलब जो है पेज मिलता है जो वर्क नहीं कर रहा है, वो डोमेन वर्क नहीं कर रहा है, उसको GoDaddy पर जाकर चेक करो, अगर डोमेन अवेलेबल हो उसे रजिस्टर कर लो। तो ये तो एक बेसिक मेथड मैंने आपको बोलकर बताया,
अगर आप चाहते हो कि मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊं कि कैसे आप गवर्नमेंट एक्सपायरी डोमेन को फाइंड कर सकते हो, उन्हें रजिस्टर कर सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके भी काफी सारे सीक्रेट्स है, काफी सारे टूल्स है जो क्विकली आपका काम कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स मुझे अच्छे चाहिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है डेफिनेटली मैं एक्सपायर डोमेन कैसे रजिस्टर करना है इस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो यार यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं हूं तो नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।